हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, जिसमें हम पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को स्टडी करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा ब्रांच है, जिसमें हम मनुष्य की जो सीमित संसाधन है उसके द्वारा उसकी जो असीमित आवश्यकताएँ हैं उनको किस तरह से पूरा किया जा सके, इसके बारे में हम स्टडी अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा की ओकियोनोमस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घर का नियम। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना गया है। इसने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसमें दो नियम दिए थे। उसमें इसने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत दिए। इसके बाद अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या है? यह अर्थशास्त्र की ब्रांच है, यानी एक शाखा है, जिसमें हम उत्पादन, वितरण, उपयोग के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। यानी इसमें हम उत्पादन, वितरण, उसके उपयोग को स्टडी करते हैं। जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक शब्द है, उसका सबसे प्राचीन उल्लेख कुटिल्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उससे हमें मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के टाइप्स। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम बाज़ार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। यानी इस अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र होता है, सभी आर्थिक गतिविधियां जो उत्पादन करना होता है वो निजी क्षेत्र के हाथ में होता है और वही सब उत्पादन करता है। इसका उद्देश्य लाभ और मुनाफा कमाना होता है। इस अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन निजी क्षेत्र करता है, प्राइवेट सेक्टर, तो वो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो किस तरह से ज़्यादा लाभ और मुनाफा कमा सके। इसमें सरकार का हस्तक्षेप भी न्यूनतम कम से कम होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास होता है। इस अर्थव्यवस्था में कंपनियां आपस में कंपटीशन करती हैं, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी कीमत भी कम हो जाती है, और जिससे उत्पादन भी बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास होता है। इस अर्थव्यवस्था के कुछ दुर्गुण भी हैं। सबसे पहले आय में असमानता। इस अर्थव्यवस्था में आपको दो तरह के लोग देखने को मिलेंगे, एक जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में पूंजी है, जो अमीर लोग हैं, और दूसरे आपको बहुत निर्धन लोग इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, अनियंत्रित आपको देखने को मिलेगा। विकसित देशों में इसी प्रकार अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है, यानी इसकी जो सभी आर्थिक कार्य होते हैं वो सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें वस्तु की कीमत भी सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आय में समानता होती है। सरकार इसमें आय में समानता रखती है, ताकि कोई ज़्यादा से ज़्यादा धनी भी ना हो और कोई ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन भी ना हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ दोष हैं। इसमें है उत्पादन में कमी। इस अर्थव्यवस्था में कोई कंपटीशन नहीं होता, जो भी उत्पादन करती है वो सिर्फ सरकार करती है, तो इसमें विकास भी प्रभावित होता है, क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाती, देश का विकास भी इसमें प्रभावित होता है। साथ ही उपभोक्ता की स्वतंत्रता, सरकार ही इसमें डिसाइड करती है कि एक उपभोक्ता क्या खरीदेगा और क्या नहीं, तो इसमें उपभोक्ता की स्वतंत्रता भी छीनी जाती है। साथ ही अधिकारों का हनन, जैसे निजी संपत्ति का अधिकार भी किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। यह अर्थव्यवस्था नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और चीन जैसे देशों में पाई जाती है, लेकिन आज के दौर में ये सभी देश सामाजिक अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। किसी भी देश में पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें वस्तु की कीमत दो प्रणालियों से निर्धारित की जाती है। सबसे पहले निजी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं की कीमत बाजार में स्वतंत्र रूप से
होती है, जो निजी क्षेत्र है उसका उत्पाद जो उत्पादन करता है उसकी कीमत बाजार में निर्धारित होती है, और दूसरा सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें सामान्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं आती हैं जैसे डीजल, पेट्रोल या अनाज का मूल्य सरकार निर्धारित करती है। समाज कल्याण के लिए सिंचाई, पर्यटन, पार्क आदि सरकार द्वारा बनवाए जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को कई प्रकार की स्वतंत्रता होती है, लेकिन जो स्वतंत्रता समाज कल्याण के विपरीत होती है उसे के ऊपर सरकार पर पाबंदी भी लगाती है। जैसे धूम्रपान हम सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर सकते तो सरकार इस पर रोक भी लगाती है, या किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी स्वतंत्रता जो समाज के कल्याण के विपरीत है तो उस पर भी सरकार पाबंदी लगाती है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर उपयोग किया जाता है। इसमें कृषि, मत्स्य, खनन आदि आते हैं। इसके बाद सेकेंडरी क्षेत्र, जो सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में जो है उद्योग धंधे आते हैं। इसमें दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं, एक तो निर्माण कार्य है जैसे इमारत या सड़क का सीधे तौर पर निर्माण करते हैं, और एक होता है विनिर्माण, यानी हमने जो निर्माण किया उसके अंदर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। विनिर्माण कार्य होता है यानी फैक्ट्री में तैयार किया गया सामान विनिर्माण कार्य में आता है। इसके बाद जो अगला सेक्टर है वो तृतीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र समाज को सेवाएं प्रदान करता है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया जाता, यह केवल अपनी सेवाएं लोगों को देता है। इसमें दूरसंचार, बैंकिंग, मीडिया, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि आते हैं। ये क्षेत्र सेवा क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। भारत में इन क्षेत्र की भागीदारी देखें तो जो प्राथमिक क्षेत्र आधे लोगों को रोजगार देता है, लेकिन GDP में इसका योगदान केवल 17% है, और द्वितीय जो सेकेंडरी सेक्टर है यह 24% रोजगार भारत में देता है, लेकिन GDP में इसका हिस्सा केवल 29% है, और तृतीय क्षेत्र जो है यह 27% के करीब रोजगार देता है, लेकिन GDP में इसका योगदान 53%, यानी आधे से भी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो रोजगार का स्थायित्व घटता है परंतु आय बढ़ती है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि या मत्स्य या खनन में काम करते हैं वो लोग, उन लोगों की आय द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से कम मिलेगी। इसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र के लोग हैं यानी जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी आय प्राथमिक से ज़्यादा मिलेगी लेकिन तृतीय क्षेत्र वालों से कम मिलेगी। सबसे लास्ट में तृतीय क्षेत्र, इनकी आय सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, और कोई भी देश तृतीय क्षेत्र पर ही ध्यान देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।